वो कहते हैं ना कि जब सर पे दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ ही टूटता है। मतलब भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो अच्छे से ही देता है। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ है, मतलब पिछले कुछ टाइम से। अब आप बोलोगे कि यार ये सिंपथी व्लॉग्स बनाती है हमेशा, ऐसे ऐसे ये सब बताती है फलाना ढिमका। मुझे पता है ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ टाइम से मेरा जो टाइम है ना वो बहुत ही बुरा चल रहा है। मतलब पहले मम्मा बीमार हुए, फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई, फिर हम दोनों का लंबा चला। जब अब मैं ठीक हुई तो फिर मम्मा फिर से बीमार हो गए, और ये सब चल ही रहा है यार। मतलब आई थिंक ना मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट होंगे तो फिजिकली भी फिट रहेंगे, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ आपकी डाउन होती रहेगी और इश्यूज प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब रीजंस की वजह से जो है हमारे हेल्थ आजकल अच्छी नहीं रह रही है। तो कभी मैं बीमार पड़ती हूँ, मम्मी बीमार पड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मम्मा को ना 4-5 दिन से पेट में दर्द पड़ रही थी। तो मैंने काफी टाइम से मम्मा को बोल भी रही थी कि मम्मा हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, एक बार चेकअप करा लेते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि घर में सिर्फ हम दो लेडीज हैं, मॉम एंड मैं, तो घर भी संभालना, सलून भी संभालना, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी इग्नोर ही कर रहे थे, अवॉइड ही कर रहे थे। लेकिन हमें कोई भी चीज़ ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग स्टेज से ही। तो वही हुआ कि 4-5 दिन तो मम्मा ने ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सा सहा, दर्द सहा, लेकिन चौथे या पांचवें दिन मम्मी को एक्सट्रीम पेन पड़ गई, बहुत ज़्यादा वाली दर्द पड़ गई। और मैं भी डर गई काफ़ी, कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं यार अपेंडिक्स वगैरह ना हो, कहीं वो फट जाए या कुछ, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फटाफट से मम्मा को एमरजेंसी में ले गई 32 हॉस्पिटल में। गाइज, मेरी माता बीमार हो गई हैं और एमरजेंसी में लेट गई है यहाँ पे। क्या हो गया? हंसी आ रही है। तो क्या हो गया? हंस लो, कोई बात नहीं, हम अपना इलाज भी अच्छे से कराएंगे, हंसते हंसते कराएंगे। मम्मी को एक्चुअली पेट दर्द पड़ा हुआ है। पेट दर्द ही है ना कि कुछ और भी है? बैक में भी है। बैक में पेन है, पेट दर्द है और ये इधर इधर साइड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं स्टोन वाली दर्द ना हो, क्योंकि मम्मी को पहले भी स्टोन थी। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं और फिर 32 हॉस्पिटल हम रात को गए थे 9-10 बजे। एंड वहाँ पर पहुँच करके ऑब्वियसली फिर वो तो टेस्ट करेंगे, कब टेस्ट चल रहे हैं, कभी ब्लड टेस्ट, कभी शुगर टेस्ट, कभी यूरिन टेस्ट, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी एक्सरे। तो पूरी रात मेरी उसी में ही निकल गई वहाँ पर। अभी मम्मी का मैं सर्जरी कार्ड बनाने आई थी, डॉक्टर ने बोला सर्जरी कार्ड बनाने के लिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि हो सकता है अपेंडिक्स की पेन ना हो, तो अगर अपेंडिक्स हुआ इनकेस तो फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जब ये सब टेस्ट वगैरह चल रहे थे ना, तो मम्मा की बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मम्मा के ना वेन्स नज़र नहीं आते। मतलब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेरी भी वेन्स नज़र नहीं आती है। हम शायद से पानी कम पीते हैं या पता नहीं क्या, डॉक्टर ने एक बार बोला तो था कि पानी ज़्यादा पिया करो तभी वेन्स वगैरह नज़र आएंगी। तो वो वेन्स नज़र नहीं आ रही थी, तो मम्मी को पता नहीं इधर उधर हर जगह से, मतलब दोनों बाजू में ना, मतलब पूरी घायल कर दी थी उन्होंने इंजेक्शन लगाने के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब लेने के लिए। बस 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 बस, मैं इतने आराम से निकाल लेती हूँ मम्मी, निकलवा लेती हूँ ब्लड। आपके सामने निकलवाया था, ब्लड टेस्ट हुआ था ना मेरा। पेन हो रही है अभी वैसे में। कोई नहीं कोई नहीं, बर्दाश्त। माँ रोते नहीं, रोते नहीं। मम्मा का ना बुरा हाल कर दिया, मतलब कोई 10 जगह से किया होगा इंजेक्शन के लिए, लग नहीं पा रहा था। थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो मम्मी, वेन्स वगैरह नहीं दिखती आपकी। अभी भी पेन हो रहा है? मतलब मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर मारने पड़ रहे थे, ऊपर से स्ट्रेचर खींचना, आपको बताइए फिर मुश्किल हो जाता है। एक तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, एक तो ना मेरे घर के आसपास पता नहीं बहुत काम वाम चल रहे हैं, तो बहुत शोर शराबा आ रहा है बीच बीच में, तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो हाँ फिर कभी किसी की कुकर की सीटी बज रही है, कभी कोई कुछ, कभी कुछ, बट एनीवेज। तो फिर ऐसे हुआ कि मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले मैनेज करना हॉस्पिटल में, फिर आपको बताइए फिर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में ना मैं बहुत मिस कर रही थी, काश
काश। अभी सुबह के 4 बज गए हैं और अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, टेस्ट सारे हो गए हैं बट रिपोर्ट्स नहीं आई। मम्मी बेटर फील कर रहे हो पहले से? बेटर फील कर रहे हो पहले से? हाथ हाथ में लग जाएगी, हाथ मत करो। अभी आज दूसरी रात के 9 बज गए हैं, पूरे 12 घंटे हो गए मुझे इस हॉस्पिटल में आए हुए, और अभी तक भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। अभी तक भी मतलब आधी रिपोर्ट्स आई हैं, आधी नहीं आई हैं, और समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब डायग्नोसिस क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर भी कंफ्यूज लग रहे हैं मम्मी मेरे को। क्या हो गया? एनर्जी नहीं है? खाना लाऊं आपके लिए कुछ? फिर हम थे मतलब हॉस्पिटल में ना, 2 रात और 1 दिन के लिए थे हॉस्पिटल में, बस टेस्ट वगैरह ही चल रहे थे। और जो भी वहाँ पर हुआ था तो उसके हिसाब से मम्मा को एक सिस्ट है, एक स्टोन है, किडनी में स्वेलिंग है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो ये सब चीज़ें निकली। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आप सिटी स्कैन करवा लो। एंड फिर आई वॉज लाइक कि नहीं, सिटी स्कैन अब इस हॉस्पिटल से तो नहीं कराना क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लटका रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप डिस्चार्ज कर दो और पेन किलर्स वगैरह दे दो जो भी है मतलब, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर हमें डिस्चार्ज कर दो, मैं बाहर से टेस्ट करवा लूँगी। तो बस ऐसे फिर हमें डिस्चार्ज मिल गया एंड हम आ गए हॉस्पिटल से। एंड फिर उसके बाद सिटी स्कैन वगैरह बाहर से हमने करवाया है, दिखाती हूँ एक मिनट। सो ये सिटी स्कैन हुआ है उनके पूरे एब्डोमेन का, और सिटी स्कैन के हिसाब से उनको मतलब एक ओवरी में सिस्ट निकली है, यूट्रस में भी उनको फाइब्रॉइड्स है मतलब सिस्ट काइंड ऑफ ही है, एंड स्टोन का अभी आई एम नॉट कन्फर्म्ड है कि नहीं है, यूरिन पाइप में है स्टोन, किडनी में फिर उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह है। और इसके बावजूद जहां तक मेरे को लगता है कि मेरी मम्मी को कहीं स्लिप डिस्क ना होगी, और क्योंकि उनको बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसका भी एक बार चेकअप कराना पड़ेगा। तो या ऐसे ऐसे दुखों के पहाड़ हम पर गिरे हैं। अभी दिया डेट हमें हॉस्पिटल वालों ने, तो अब उस डेट पे हमें जाना पड़ेगा सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के, और फिर उसके बाद हमारी मतलब हमारी इन द सेंस कि मेरी मॉम की ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी उसके बेसिस पे। मैं ना आप लोगों के लिए सैड सैड व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती, मेरा खुद को मन नहीं करता है कि मैं कुछ ऐसे वीडियोज बनाऊं, आप लोगों को सैड सैड न्यूज दूं, क्योंकि मुझे पता है एट दी एंड आप लोग भी एंटरटेनमेंट के लिए आते हो यहाँ पर, एंटरटेन होने के लिए आते हो, कि दुख प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। बट मैं क्या करूं यार, मेरी लाइफ में टाइम से सिर्फ दुख 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 ही चल रहे हैं, और अच्छा कुछ चल नहीं रहा है मतलब। इनफैक्ट मैं खुद चाहती हूँ कि ये सारे जो दुख हैं फटाफट से दूर हो जाए, छू मंत्र हो जाए, एंड उसके बाद लाइफ स्मूथ चलने स्टार्ट हो जाए, मतलब अच्छा अच्छा होने लग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि सुख और दुख जो है ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो जब अच्छा होता है तो मैं आप लोगों को अच्छा भी दिखाती हूँ, जब बुरा होता है तो आप लोगों को मैं बुरा भी दिखाती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे जो लाइफ में बुरा टाइम चल रहा है, तो या जब ये दूर हो जाएगा तब अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी हम बनाएंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, है ना। चलो फिर मैं सैलून के लिए अब रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे यही अपडेट देनी थी आप लोगों को छोटी सी, ताकि आप लोग भी ट्यून्ड रहो मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ क्या चल रहा है आपको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये मेरा मोटिव था इस व्लॉग को बनाने के पीछे का। तो आई होप वीडियो तो नहीं पसंद आई, पसंद आई होगी आई नो दैट, बट आई नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर माई मॉम, और बस प्रे करना कि मेरी मॉम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, एंड ट्रीटमेंट भी उनकी अच्छे से हो जाए, एंड मम्मा फिर से एक बार पहले की तरह हेल्दी एंड फिट एंड फाइन हो जाए, है ना। आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। सो या मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।